हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, काफ़ी ही खुश होंगे क्योंकि होली आ रही है और होली स्पेशल खाना हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया है दोस्तों। तो सबसे पहले समोसे बनाऊंगी, जिसके लिए आलू मैंने उबाल कर छिलका निकाल लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। मैंने हाफ के जी आलू में लिया है, तड़के के लिए ये ले रही हूँ मेथी दाना और सूखी मिर्च। हाफ के जी आलू में मैंने लिया है 12 से 15 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक की। तो चलिए, मैंने तेल गर्म कर लिया है दोस्तों। 2-3 चम्मच तेल है, सरसों की तेल है। सरसों के तेल में मसाला बहुत अच्छा बनता है। मैंने मेथी का दाना डाल दिया है और 1 सूखी मिर्च डाल दिया है। इसमें मूँगफली भी डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। समोसे में मूँगफली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मूँगफली जब रोस्ट हो जाएगी तो हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था दरदरा कूट कर, वो हम डाल देंगे। चलिए इसे भी डाल देती हूँ दोस्तों, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा साथ में। उसके बाद मैं बाकी का मसाले ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। 1 मिनट लगेगा भूनने में, 1 मिनट से भी कम लगेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये डायरेक्ट तेल में भून रहा है। तो चलिए, भून गया है दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है, आधा आधा चम्मच। आप ले ले दोनों आधा चम्मच, जितने आपका आलू है उस हिसाब से। आधा केजी आलू में बना रही हूँ मैं, तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ी कम, आधी चम्मच के लगभग मैंने ले लिया है गर्म मसाला। गरम मसाला ज़रूरी है दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसे के मसाले में। तो ये मैंने ले लिया है। चलिए मैं डाल देती हूँ जो कि मैंने तेल में फ्राई कर रखे हैं, लहसुन और अदरक की पेस्ट। कितने अच्छे से भून गए हैं लहसुन अदरक की पेस्ट, कितनी अच्छी कलर आ गई दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस मसाले को भी भून लेती हूँ। इस मसाले को भूनने में 10-20 सेकेंड लगेंगे सूखे मसाले को भूनने में, क्योंकि ये सूखे होते हैं तो जलने का डर होता है। तो हमारे मसाले भून गए हैं, तो हमने आलू ऐड कर दिया है। आलू को भी अब बस मैं अच्छे से भून लूँगी। मैं नमक डालकर, आलू के साथ नमक डालकर अच्छे से मिला कर इसे 2-4 मिनट अच्छे से भूनना है, अच्छे से मिलाना है दोस्तों, ताकि सारी मसाला हमारे आलू के अंदर चली जाए। हमने नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार, जो कि मैं दिखाना भूल गई दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए, घुमा कर मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है ताकि पूरा फ्लेवर हमारे आलू के अंदर चला जाए। देखिए कितनी अच्छी कलर आ गई है, अभी से देखने में कितनी टेस्टी लग रही है दोस्तों। आप ऐसे भी मसाले पूरी के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारे मसाले रेडी हो चुकी है, कितनी खूबसूरत दिख रही है दोस्तों। जितनी खूबसूरत देखने में है उतनी टेस्टी खाने में भी होगी, क्योंकि मैंने भी पहले इसी तरह से समोसे बनाए हैं। चलिए, मैंने आटा लगा लिया था दोस्तों, जो कि आटा में मैं समोसे मैदे से बनाई गई है दोस्तों। समोसे मैदे के ही अच्छे लगते हैं और बनते भी मैदा के, तो मैंने इस आटे को लगाने में यूज़ किया है स्वाद अनुसार नमक। 1 पिंच नमक यूज़ किया है, मंगरायल यूज़ किया है और फिर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। 1 चम्मच रिफाइंड, 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है ताकि समोसा हमारा खास्ता और क्रिस्पी बने। और आटे को मैंने लगाकर, आप सोडा खाने वाले सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चे भी इसे खाते हैं, पेट में थोड़ी बहुत दिक्कत होने की वजह से मैंने नहीं डाला है। बच्चे के लिए बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं दोस्तों, तो मैंने सोडे का यूज़ नहीं किया है। इस तरह से मैंने समोसे को तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, बहुत ईजी है, बच्चे भी कर लेंगे। पहले आपको ऐसे काट कर लेना है अच्छे से रोटियां बनाकर, जैसे आप रोटी बनाते हो सिंपल रोटी, वैसे रोटी आपको बना लेनी है। उसके बाद ऐसे जो तो ट्राइंगल होता है, एक तरफ से इधर से मोड़ लेना है, एक साइड उधर से मोड़ लेना है, ट्राइंगल हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमें मसाला को इसमें फिल कर देना है, जो भी हमने फिलिंग तैयार की है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पानी से हमें उस किनारे को अच्छे से चिपका लेना है। पानी उसमें डालना ज़रूरी है दोस्तों, साइड साइड में, तभी वो हमारे चिपकेंगे जो हमारे समोसे के कोने हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने समोसे तैयार कर लिए हैं। हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है, समोसे वाले की तरह तो बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन देखने में ख़राब नहीं दिख रही है और खाने में तो सुपर टेस्टी होगी दोस्तों।
देखिए मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया। बहुत ज़रूरी है इसे अच्छे से फ्राई करना, क्योंकि ये मैदे की होती है और मैदे को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मैदे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, अगर आप खा ही रहे हो थोड़ी अच्छे से फ्राई करके खाइए। चलिए समोसे हमारे एक बार बन के रेडी हैं दोस्तों, उसके बाद मैं दूसरा बार बनाऊँगी। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग होली में क्या क्या बना रहे हैं अपने घर में, और आपने क्या क्या खा लिया, और क्या क्या खाना चाहते हैं, और क्या क्या खाएंगे, और आपको खाने में क्या पसंद है। बहुत क्रिस्पी बनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। अगर आप बोलें तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और खा कर भी दिखाऊँगी। जितने ज़्यादा क्रिस्प देखने में लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों। बहुत ही गर्म है। चलिए धीरे धीरे से मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मसाले अंदर कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मसाले। बहुत ज़्यादा गर्म भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म है। वाह, मैं खा नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। सुपर टेस्टी हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मस्त बने हैं दोस्तों। चलिए मैं आगे बनाना शुरू करती हूँ। सारे समोसे मैंने उसी तरह से रेडी कर लिए हैं दोस्तों, उसी तरह जस्ट मैंने आपको बताया था। रोटी की तरह बेल लेना है, उसे फिर एक साइड से मोड़ना है, दूसरे साइड से मोड़ना है, ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद आपको फिलिंग उसमें डालनी है, जो कि समोसे के मसाले आपने बना के रखे हैं उसे डालना है। उसके बाद पानी से उसे किनारों को चिपका देनी है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कोई भी बना सकता है। आप लोग भी बनाइए और मज़े कीजिए। सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए पूरियाँ भी तल लेती हूँ, पूरी भी मुझे बनाने हैं। समोसे सिर्फ खा कर नहीं रहा जा सकता, एक दो खाऊँगी उसके बाद खाना तो पड़ेगा ही कुछ भी, तो पूरी बना लेती हूँ। उसके लिए पूरी भी काफ़ी अच्छी बनी है दोस्तों, पूरी फूली फूली बनी है, जो कि आटे की है। मैदे की मैंने पूरी नहीं बनाई है, आटे की पूरी बनाई है मैं। आप लोग भी कोशिश करें कि आटे की ही पूरियाँ खाएं। मैदा बहुत ख़राब चीज़ होती है दोस्तों, कभी कभी फंक्शन में या फिर ओकेजनली खा सकते हैं, डेली यूज़ के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, हमारी पूरी भी बनकर रेडी हो गई है। बचे हुए मसाले को सोचा मैंने कि आलू चॉप भी बना लेती हूँ दो चार दोस्तों। तो इस घोल को तैयार करने के लिए, बेसन के घोल को तैयार करने के लिए मैंने यूज़ किया है बेसन का, नमक का, और मैंने गरम मसाले का यूज़ किया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला, अपने मन पसंद आप मसाले थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी तेल में अच्छे से टिक्की बनाकर, आलू की टिक्की बनाकर बेसन के घोल में डालकर इसमें मैंने फ्राई कर लिए हैं। काफ़ी सुपर टेस्टी ये भी बने थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी था, नीचे से नरम और सॉफ्ट जूसी था। आप लोग भी इस होली में बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए, और मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बताइएगा दोस्तों, मेरी होली की तैयारियाँ कैसी लग रही है आपको, मैंने किस टाइप के खाने बनाऊं मैं, और किस टाइप का रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी आलू चॉप भी बनकर रेडी हो चुकी है दोस्तों, जो कि सुपर डिलीशियस दिख रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने पकवान तो बहुत ज़्यादा बना लिए हैं सब खाने लायक, और उसके बाद मैं कुछ सब्ज़ियाँ भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी बनाना ज़रूरी है दोस्तों पूरी के साथ खाने के लिए, समोसे में भी यूज हो जाए उस टाइप की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ा सा और मैंने आलू चॉप बना लिया है, ताकि बच्चे भी खाएँ और हस्बैंड मैं सब इंजॉय कर सकें। तो हमारी आलू चॉप तो रेडी हो गई है दोस्तों, चलिए अब सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आलू बैंगन की बहुत रस्सेदार वाली सब्ज़ी बना ली है, जो कि पूरी के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। समोसे के साथ भी आप खा सकते हैं, होटल में भी आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ हमें समोसे मिलते हैं खाने को आजकल, जो कि बहुत सुपर टेस्टी डिलीशियस लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, मेरी खाना कैसी बनी है, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। कल और भी रेसिपी आएंगी, जैसे कि धूसका, जो कि हमारे झारखंड बिहार के बहुत फेमस है, मालपुए की रेसिपी आएगी, बहुत सारे रेसिपी आई, दही भल्ले आएंगे, जो कि अब कल आएंगे दोस्तों वो सब। तो मेरे चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।